हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माई चैनल। आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ अपने बिलिंग एंड एस्टिमेशन पार्ट में। मैं बेसिकली आज आप लोगों के लिए न्यू साइट पे आ चुका हूँ जो कि हमारा स्टील वर्क हुआ है। और स्टील वर्क होने से पहले मैं जो क्लास स्टार्ट किया हूँ वो है बिलिंग एंड एस्टिमेशन इंजीनियर के पार्ट पे, जो पार्ट थर्ड तक मैंने डाल चुका है, जो एक्सर्वेशन कम्प्लीट हो गया है। जब मैं आप लोगों को स्टील वर्क कि BPS सिखाऊंगा तो उस टाइम ये चीज़ें काम आएगी। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले आप लोगों को मैं ये ओवरव्यू बता दूं ताकि उस टाइम आप कंफ्यूज ना हो ड्राइंग देखकर। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। यह है हमारा स्लैब, आप देख रहे हैं ये स्टील वर्क हो रखा है हमारे साइड पे। आप ध्यान से देखना, ठीक है, आप ध्यान से देखना राइट, ताकि आपको हर चीज़ एक चीज़ समझ में आए। और मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ, जो बेसिकली चीज़ सबसे पहले जो BPS बार बेंडिंग शेड्यूल निकालने में जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेशर इंजीनियर के लिए होता है वो होता है सपोर्ट। ड्राइंग में अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे, सपोर्ट तो लिखा होता नहीं है, ठीक है। मैं अगर सपोर्ट की बात करूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, उस टाइम आप स्किप कर जाओगे। इसलिए उन चीज़ों को मैं सिखाने के लिए और केयरफुली तरह से, मतलब हर एक टॉपिक को क्लियरिफाई करने के लिए मैं साइट पर पहुँचा हूँ। देखो, सबसे पहले बात करते हैं सपोर्ट किसको कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे, हम थोड़ा जूम करके दिखाते हैं आपको, ताकि दो कॉलम देखो, एक ये कॉलम है हमारा और दूसरी हमारा वो कॉलम है। आप अगर दूर से देखोगे तो आपको इस तरह दिखाई देगा राइट। देखो ये कॉलम और प्लस वो कॉलम, ठीक है, आपको दिखाई देगा ये और प्लस वो कॉलम। ये सपोर्ट, अगर हम सपोर्ट वो है सपोर्ट वन राइट। हम फर्स्ट टाइम हम जिधर से स्टार्ट करेंगे, अगर हम मेजरमेंट वहाँ से उठाएंगे, अगर हम राइट साइड से आ रहे कैलकुलेशन करते हुए, तो सपोर्ट वन, सपोर्ट टू, सपोर्ट थ्री, इसी को बोलते हैं, ठीक है। सपोर्ट वन, सपोर्ट टू, सपोर्ट थ्री, इसमें जो बीम का जो कैलकुलेशन हम निकालेंगे स्टील वर्क का, तो बेसिकली जो हम बीम का जो निकालेंगे ना, तो उस टाइम हम सपोर्ट वन, सपोर्ट टू, सपोर्ट थ्री के हिसाब से हम करेंगे, तो उस टाइम आपको प्रॉपर, मतलब क्लियरिफाई होकर आपको समझ में आ जाए इन चीज़ों की, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये सपोर्ट के बारे में आपको पता चल गया। सपोर्ट वन, बीम में टू टाइप से हम सॉल्व करेंगे, एक जो मेनली होता है, देखो अब हम बीम की बात कर रहे हैं, ये जितने भी कॉलम टू कॉलम सपोर्ट है, कॉलम टू कॉलम सपोर्ट है, ये सारा हमारा प्राइमरी बीम है राइट। ये प्राइमरी बीम है, जैसे ये देखो, ये हमारा कॉलम पे सपोर्ट है बट ये जाके बीम पे रेस्ट हुई है, ये बीम पे रेस्ट हुई राइट। तो ये हमारा कौन सा है, बीम हो जाएगा, है तो एक्चुअली सेकेंडरी बीम, क्योंकि ये जाके बीम पे जाके रेस्ट हुई है, कॉलम पे नहीं है राइट। जैसे ये वाला सेकेंडरी बीम हमारा, देख रहे, ये इधर भी बीम है और उस तरफ इसमें भी बीम है, तो ये एक्चुअली क्या है, मेरा सेकेंडरी बीम। आपको प्राइमरी और सेकेंडरी बीम समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी बीम उसे कहेंगे जो कॉलम टू कॉलम सपोर्ट है, और बीम टू बीम जो लोड ट्रांसफ़र हुआ, एक मतलब दो बीम पे एक बीम की जो लोड पड़ेगी, सपोज ये देखो, इस बीम, ये बीम है, मतलब बीम की सपोर्ट वन, इसको हम, वो तो कॉलम सपोर्ट था जो अभी मैंने बताया था, ये वाला पार्ट कॉलम सपोर्ट वन और कॉलम सपोर्ट टू और कॉलम सपोर्ट थ्री राइट। तो उसी तरह इसमें भी बीम की सपोर्ट होती है, देखो बीम सपोर्ट वन, बीम सपोर्ट टू राइट, आपने देख लिया बीम सपोर्ट टू। तो उसी तरह आपको क्लियरिफाई हो गया कि सेकेंडरी बीम और प्राइमरी बीम कैसे किसको कहते हैं। ये हमारा इस तरह स्टील बांधी हुई बीम के बारे में देख लो, बीम की अगर रीड आउट करें, बेसिकली जो फ्रेशर इंजीनियर है, जो एक्सपीरियंस है, तो उसे तो पता ही है। देखो ड्राइंग में जो रहता है उसमें टॉप मेन बार दिया रहता है ऑल थ्रू, टॉप मेन बार ऑल थ्रू जो रहता है, ये देखो ये मेन बार है तीन, ऑल थ्रू टॉप मेन बार बोलेंगे, और नीचे सेम उसी तरह तीन बार प्रोवाइड किया है, ठीक है, और साइड से दो बार प्रोवाइड किया है, जो कि ये एक्स्ट्रा बार होता है हमारा, ठीक है। और स्लैब देखो, और इसमें एरर क्या है वो चीज़ भी हम बताएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, ये वाली चीज़ें देखो,
यहाँ पे देखो एक क्रैंक बार इधर से आ रहा है, क्रैंक होके वहाँ चल गया, ठीक है। दूसरी क्रैंक इधर से बन रही है, एक उधर चल गई, मतलब एक अल्टरनेटिव करके इसने स्टील बार बिछाई है, मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार। एक्ट करता है मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन है हमारा क्रैंक बार, राइट, समझ गया। लेकिन इसके बीच में देखो कितना स्पेसिंग डबल हो गई है। डबल होने का रीज़न वही है कि हमारा उधर से क्रैंक हुआ, उधर से स्टेट आ रही है, और आगे जाके हमारा क्रैंक एल बाय फोर से में चढ़ जाती, तो उसी तरह इधर से क्रैंक होती, तो इसलिए एक दूसरे के बीच स्पेसिंग क्या हो जाती है, डबल हो जाती। तो उन चीज़ों में क्या करना है, हमें एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करना है, देख रहे हैं, ये एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करनी है, राइट, ये भी हमारा एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करना है, समझिए, ठीक है। तो उसी तरह कॉलम बीम और सपोर्ट से देखो, ये कॉलम सपोर्ट वन, सपोर्ट टू और सपोर्ट थर्ड, ठीक है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कॉलम जंक्शन, कॉलम जंक्शन किसको कहते हैं, देखो कॉलम जंक्शन हम इसको कहते हैं, देखो इधर से कंटिन्यूस सपोर्ट बीम वन कॉलम से होके इधर आ गया हमारा इस कॉलम तक, राइट, इस कॉलम पे आने के बाद रेस्ट हो गया उस कॉलम पे, मतलब इसमें तीन सपोर्ट है, कॉल सपोर्ट वन, कॉलम सपोर्ट वन, कॉलम सपोर्ट टू और कॉलम सपोर्ट थ्री, राइट, समझ गए। तो उसी तरह देखो इधर से भी हमारा बीम जा रहा है सपोर्ट सपोर्ट, तो इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट पे जो बना ये जंक्शन कॉलम, इसी को हम कॉलम जंक्शन कहते हैं, ठीक है, कॉलम जंक्शन कहते हैं। इसमें एक्स्ट्रा वर्क किस हिसाब से प्रोवाइड करते, इस सेंटर से इधर प्रोवाइड करते, बेसिकली एल बाय थर्ड पार्ट बीम में एल बाय थर्ड पार्ट, इधर भी हम एल बाय थर्ड पार्ट करते हैं। ये बेसिकली हम ड्राइंग में बात करेंगे, अभी ओवरव्यू आप देख लो, ठीक है। अब फ्लैट बीम की बात करते हैं, फ्लैट बीम, ठीक है। ये देखो ये जो हमारा स्लैब जो हिडन बीम बोलते हैं उसी को हम फ्लैट बीम बोलते हैं, जो कंक्रीट में ये बीम हमारा छिप जाएगा, मतलब ये आपको दिखाई कहीं से नहीं दिखाई देगा, ठीक है। ये हमारा देखो ये है, तो इसमें जो है एक्चुअली हर जगह क्या होता है, बेसिकली इस वाले प्रोजेक्ट में कुछ और चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे डेली में थोड़ा हाइट की प्रॉब्लम हो जाती है, एमसीडी जो शो करती है 15 मीटर करती है, अगर उससे भी एक इंची अगर फालतू हो गई तो हो सकता है हमें फ्यूचर में या क्लाइंट को फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है। इसके वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, हाइट को ध्यान में रखते हुए बीम को 1 इंची प्लस किया है स्लैब से, अगर स्लैब हमारा 6 इंची में कंप्लीट होगा तो ये बीम की फेस हमारा 8 इंची में कंप्लीट होगा। रीज़न यही है कि 1 इंची हम बीम को बढ़ा देते, क्योंकि इसके ऊपर आएंगे वॉल, वॉल में हमारा छूप जाएगा, लेकिन यहाँ पे आएगा 6 इंची, तो बीम को मैंने क्या किया नीचे से उठा दिया, तो हमारा हो गया 1 इंची प्लस, राइट। 1 इंची बचाने के लिए हम ऐसा करते हैं, जो बीम को 1 इंची उठा देते और स्लैब हमारा उसी लेवल पर होता जो होता है, राइट। अगर आप लोगों के साथ अगर ऐसा इशू नहीं है, मतलब हाइट के पंगा नहीं है, तो आप बिल्कुल इक्वल लेके चलिए। अगर हमारा 9x15 किया है तो 9 इंची हमारा क्या हो जाएगा, बीम की डेप्थ हो जाएगी, और ठिकनेस उसकी 6 इंची, 9x15 इंची, राइट, उस हिसाब से आप काम करा सकते हैं। ये बेसिकली ये आप जो देख रहे हैं ये फ्लैट बीम है, इस तरह भाई आपको कोई नहीं बताएगा, साइड से पर्टिकल इस्टीमेशन, बार बेंडिंग शेड्यूल, क्वान्टिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, आपको हर पार्ट और हर चीज़ सिखाया जाएगा इस चैनल पे, ठीक है। और साइट पर्टिकल भी हम आप लोगों के लिए जो साइट पे वर्क होगा उनके बारे में आपको बताते हैं। और एक सबसे बड़ी पंगा हुई है इस वाले साइट पे, ये सबसे बड़ी पंगा क्या है हम बता दें आपको, इस भाई साहब ने क्या किया कि इस वाले बीम की जो टॉप सरिया आया बीम में, एक्चुअली ड्राइंग में क्या दिखाया था, बॉटम लेयर इस पोजीशन पे, बॉटम लेयर इस पोजीशन पे ख़त्म हो गई, एंड हो गई, मानता हूँ, ठीक है, लेकिन हमें उस पर फ्लैट बीम प्रोवाइड करना था, क्योंकि हम डाउन कर नहीं रहे हैं, नहीं तो हमारे फ्रेंड के साइड से अब लुक ख़राब हो जाती है, अब कोई प्रोवाइड नहीं करता, लटक कोई नहीं देना चाहता अपने बालकनी में, राइट। तो इस भाई साहब ने क्या किया, नीचे से आया, यहाँ सरिया काट दिया, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर एंड कर दिया, क्योंकि हमें फ्लैट बीम देनी है, लटक तो है ही नहीं, लेकिन टॉप मेन बार आया तो मेरे हिसाब से टॉप मेन बार वहाँ तक एक्सटेंड होनी चाहिए, ठीक है। इसने नहीं किया ऐसा, क्यों, इसी कॉलम पे इसको कट कर दिया, मतलब दोनों, मतलब जितना है मेन बार और बॉटम बार दोनों बार इसमें कट कर, लेकिन मेरे हिसाब से टॉप मेन बार को कटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो स्ट्रेंथ ये देगी कंप्लीट, अगर हमारा सरिया वहाँ से रहता कंप्लीट 3 मेन बार, तो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती एज टू कंपेयर इस बीम के,
रीज़न ये है कि देखो आपने क्या किया, एक तो स्टील वेस्ट हो गए। हम क्या करते, इसी सरिया को स्टील बहा के आगे तक ले जाते, उसके बाद इसमें एस्टावर हम डलवा देते हैं, तो हमारा स्टील की बचत भी होती है और मजबूत भी होता। इसने क्या किया भाई साहब ने, इस कॉलम की जंक्शन से देखो कितना मोटी बीम प्रोवाइड कर दिया, जो कि ये सरासर वेस्ट है कंपनी की। ये देखो, ये देखो, उस कॉलम की सपोर्ट तक इसने कंप्लीट स्टील वहाँ से दिया और स्लैब की डेप्थ को बढ़ा दिया। देखो मतलब स्टील की जो बीम है, ये बीम कितना बढ़ा कर दिया, ये भी बीम में ही इंक्लूड है, तो ये हमारा सरिया वेस्ट होगी। अगर आपके साइड पे इस तरह होता है तो बिल्कुल इन सब चीज़ों से बचिए, या अपने बॉस से सलाह लीजिए, ये बिल्कुल सरासर गलत है और आप भी देख सकते हैं। अब हम कुछ बात करते हैं स्पेसर बार की। स्पेसर बार किसको कहते हैं, देखो इस कॉलम में थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। इस कॉलम में एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किया, 3 नंबर्स ऑफ बार्स एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया। एक्स्ट्रा बार को सपोर्ट देने के लिए हम स्पेसर बार को यूज करते हैं, बेसिकली आप देख रहे हैं, ठीक है। ये स्पेसर बार है, राइट। ये कितने mm का देते हैं, देखो मिनिमम 25 mm का हम प्रोवाइड करते हैं स्पेसर बार, और 1-1 मीटर पे करते हैं, 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे करते हैं, राइट। और हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो एग्रीगेट आता है साइड पे, वो 0.25 इंची 20 mm के आसपास आती है, तो ताकि हम वाइब्रेटर, जब हम इसमें वाइब्रेटर जो लगाएंगे मैकेनिकल वाइब्रेटर, ठीक है, तो उसमें कंक्रीट जाके बॉन्ड हो जाए, मतलब उसमें फिल हो जाए। रीज़न यही है देने का, नहीं तो उसका कोई बेनिफिट ना। अगर स्टील के ऊपर बांध देंगे तो चिपक जाएगा, उसमें कंक्रीट फिल होगी नहीं, तो फिर हमारा ये एक्स्ट्रा बार डालने का कोई मतलब नहीं बनता फिर। तो देखो नीचे भी आपको दिख जाएंगे, दिख रहा होगा, 3 सरिया उसने एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किया। बीच में जो बॉटम लेयर में जो एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड होता है, कॉलम के दोनों सपोर्ट को छोड़ के होता है, कितना 1.25 फीट या 3 फीट, मतलब 3 फीट तो एक्चुअली नहीं होता है, 2.5 फुट 3 फुट दोनों बोर्ड साइड से छोड़ के हम प्रोवाइड कर देते हैं। ये सारा चीज़ हम डिटेल से ड्राइंग में सीखेंगे, बस हमारे वीडियो में बने रहिए, और आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। जो भाई न्यू है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए फटाफट, ताकि आप लोगों को फ्री में सिखाया जाता है यहाँ पे, और कोई धोखाधड़ी की बात नहीं है, यहाँ पे आप लोगों को फ्री में सिखाया जाएगा, कोई पैसे की चार्जेस नहीं है, और हर कोर्स आपको सिखाया जाएगा, इसलिए आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।